शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे शांतु लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए? समीर जी माँ, इनसे कहो कि थोड़ा रुक जाए, जब सगाई की रस्म पूरी हो जाएगी तो इन्हें भिक्षा मिल जाएगी, या फिर कल आ जाए। जी माँ। अनर्थ, घोर अनर्थ होने जा रहा है यहाँ पर। बहन जी, इन्हें टालिए मत, ये पहुंचे हुए जोगी लगते हैं। कृपया आप इन्हें सम्मान के साथ अंदर बुलाएं और दान दक्षिणा देकर इन्हें प्रसन्न करके यहाँ से विदा कीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी शुभ कार्य में विघ्न आ जाए तो पहले उसका समाधान करना चाहिए, उसके पश्चात ही उस शुभ कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। इन्होंने आते ही अपनी दिव्य दृष्टि से न जाने कौन सा अनर्थ देख लिया। इनसे पूछिए अगर अनर्थ है तो उसका समाधान क्या है, वो भी इनको ही पता होगा। समीर जी माँ, जाओ इन्हें ले आओ अंदर। जी। प्रणाम महाराज, पधारिए। जी नमस्ते। आशीर्वाद। ये मुसीबत कहाँ आ गई इस वक्त पे? साले शकल से ही पाखंडी लग रहे हैं, पता नहीं कौन से अनर्थ की बात कर रहे हैं। आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं महाराज? उसी की जो इस घर में होने जा रहा है। बताइए ना महाराज जी, आप किस अनर्थ की बात कर रहे थे? शांत, अभी हम ध्यान लगाकर बता देते हैं। कर्नाटका पुलिस जी, मैं अंबर बोल रहा हूँ नागपुर से जी। मैंने वो, हाँ जी जी वही। क्या पुलिस कल रात को यहाँ पहुंच चुकी है? तो अब तक आई क्यों नहीं जी? पुलिस कल रात से यहाँ पर है। विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है। विश्वासघात? मैं कुछ समझी नहीं। तो साफ साफ सुनो, इन बच्चों के सर पे काला साया मंडरा रहा है, जो इनके भविष्य पर, इनके रिश्ते पर, इनके आने वाली खुशियों पर एक ग्रहण लगने का खतरा है। साया महाराज, ये बच्चे तो नादान हैं। अगर इनके सर पे कोई काला साया मंडरा रहा है ना, तो उसका समाधान भी तो आपके पास होगा। हमें कृपा करके वो समाधान बताइए। यहाँ सिर्फ लड़का और लड़की रुकेंगे, बाकी सब लोग कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चले जाएं, और जब बुलाया जाए तब वापस आएंगे। छोड़िए ना मम्मी जी, आप भी किन की बातों पे आ रहे हैं? अपमान, सच्चे साधुओं का अपमान। चलो। क्षमा महाराज, ये तो नादान है, आप इसे माफ कर दीजिए ना। आप रुक जाइए, आप मत जाइए।
सॉरी। देखिए ना, माफी मांग रहा है, नादान है बेचारा, क्षमा कर दीजिए। बेटा, अगर साधु महाराज कुछ कहते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं कहते, जरूर तुम पे कोई विपत्ति आने वाली है। महाराज आप उसका उपाय बताइए। ठीक है, तो बाकी सब लोग यहाँ से चले जाएं, और जब तक कहा ना जाए कोई यहाँ नहीं आएगा। ठीक है महाराज, आप जब बुलाएंगे ना, हम तभी आएंगे। चलो सब लोग। माँ जी, मैं नियति अंबर सगाई के बाद मंदिर जाने की सोच रहे थे। हाँ बेटा, हो आना, लेकिन अभी वो साधु महाराज जब डिसाइड कर लें उधर, तो हम तभी जाएंगे। और जरा बाहर जाकर देखो ना, मेहमानों को सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी माँ जी, आओ नियति। देख लो बेटा, देख लो। नियति, अगर ये सगाई हो गई तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा दीदी। मैंने भी फोन किया तो पता चला कि कर्नाटक का पुलिस कल रात को निकल चुकी है। तो अब तक पहुंची क्यों नहीं यहाँ पर? पता नहीं, लेकिन अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। अब मुझे घबराहट हो रही है। सुनो अंबर, तुम बैंगलोर पुलिस को फिर से फोन लगाओ और उनसे उस ऑफिसर का नंबर लो जो यहाँ आ रहा है। शायद उसी से तो बात हुई थी मेरी। क्या? प्रेम 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 संभवा में कन्या, आप यहाँ से जाइए जाइए। अरे आप इन्हें क्यों भेज रहे हैं? शांत। तो अब सुन, उस अनर्थ की बात कर रहा था जो तुझसे जुड़ी है। मुझसे? कैसा अनर्थ? वाह बेटा, कैसा अनर्थ, जिसकी पूरी जिंदगी अनर्थ करते गुजरी है वो पूछे कैसा अनर्थ, और जो यहाँ दूसरे अनर्थ के जुगाड़ में हो। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। देख बेटा, ये नाटक वाटक करना बंद कर। दो नंबर का आदमी होके एक नंबर का बनने की कोशिश मत कर, समझी? या और मुंह खोल के समझाऊं, तुझे क्या लगता है कि हमने जो इतने सालों की तपस्या की है, जो ये दाढ़ी बाल सफेद करवाए हैं आशीर्वाद बांटने के लिए? बेटा ये कलयुग है, इसमें जो भी सिद्धियां हमने हासिल की हैं अपने फायदे के लिए, ये तो हमारा बिजनेस है। अबे कैसा बिजनेस? चल छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सुन, तू कुछ भी कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मुंह बंद रखना चाहता है तो सिर्फ हमारा हिस्सा दे दे। अबे काय का हिस्सा बे? अरे क्या पके जा रहा है? और मैंने ऐसा किया क्या है जो तू मुंह खोलेगा और मैं डर जाऊं? तो जब तक मैं मुंह नहीं खोलूंगा तू मानेगा नहीं। नहीं तो सुन, हमने अपने दिव्य दृष्टि से तेरा सारा कच्चा चिट्ठा देख लिया है, मिस्टर नटवरलाल उर्फ आदि महाराज। हाँ? मेरे सर पर? मतलब नहीं समझा? तो ठीक है, मैं कर्नाटका पुलिस को फोन लगाता हूँ कि तू यहाँ पे है, वो दौड़ी दौड़ी आएगी तुझे गिरफ्तार करने, और जो तेरे सर पे 1,00,000 का इनाम है वो भी मुझे देके जाएगी। अरे नहीं भाई साहब, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। वैसे भी 1,00,000 के इनाम में हमारा क्या होगा, तू तो वैसे भी मुझे पुलिस से ज्यादा देने वाला है ना? देख,
दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, डील करनी हो तो बोल, या उसके पहले अपनी जन्म कुंडली सुनना चाहेगा कि तू एक इश्तिहारी मुजरिम है जो लोगों को लाखों का चूना लगाकर भाग आया है। ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है? हे भगवान, अब कन्नू की जिंदगी में और क्या दुख लिखे हुए? आप टेंशन मत लो माँ, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी किसी अनजान साधु की बातें सुनकर खामखा मन क्यों खराब? अरे नहीं समीर, बहता पानी और रमता जोगी, इन पर कभी शक नहीं करना चाहिए। देखो ना, आज के पहले तो हमारे घर में कभी साधु महाराज नहीं आए, और आज अचानक ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। करने दो उन्हें पूजा, मैं नहीं चाहती हूँ कि कनिका की जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट आए। सब अच्छा ही, करने दो उन्हें। बोल। और जो 1,00,000 का तुझ पर इनाम है, तेरे गुनाहों को देखते हुए बहुत ही कम है। बस कर मेरे यार, मैं समझ गया कि तू कोई साधु वादु नहीं है, बल्कि मेरे बिरादरी के खलीफा हो। अब चोर चोर तो मौसरे भाई होते हैं ना। बोल, तुझे क्या चाहिए? अब प्लीज मेरे काम में टांग मत अड़ाना, प्लीज। चल, अब तू इतना कह रहा है तो तेरी बात मान लेते हैं। बोल, तू कितना देने के लिए राजी है? अबे यार, अभी तो एक फूटी कोड़ी नहीं है मेरे पास। अरे तूने जो बंगलोर में ठगी की थी वो सब दान कर दिया क्या? अबे यार, वो 10-15 लाख ही रुपए थे, और उससे होता है क्या आजकल? हमें पागल समझा है? देख, तू अपने मुंह से मान ले हैं, वरना हमारा मुंह खुलेगा ना, तो जितना भी तूने ठगा है वो सब देना पड़ेगा। तो सुन, तूने स्वास्तिक ज्वेलर्स के यहाँ 10 लाख की ठगी की, वो सब अब हमारा। रेड्डी बिल्डर्स को तूने 15 लाख का चूना लगाया, वो सब भी हमारा। और कर्नाटका टूरिज्म में तूने जो 22 लाख का झोल किया, वो बस कर यार, मेरी जिंदगी भर की कमाई लेगा क्या? देखा, हमें तेरे एक एक वारदात के बारे में मालूमात है कि तूने कहां कितनी ठगी की है। तो चल अब मुद्दे पे आ। तूने जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में 22 लाख के फर्जी कागजात बना के ठगी की थी उसका? अरे नहीं नहीं, वहां तो सिर्फ 5 लाख का झोल किया था। आपकी कसम, माँ कसम। चल अब तू इतना कह रहा है तो तेरी बात भी मान लेते। तूने बैंगलोर में जितनी ठगी की थी ना, उसका हमें आधा हिस्सा दे दे। और देख, तू यहाँ इस लड़की से शादी करके कितना चूना लगाने वाला है यहाँ पे। अरे मेरे भाई, यहाँ की कमाई तो बख्श दे प्लीज। तो चल अबला हमारा हिस्सा। अरे अभी कहाँ से लाऊं, वो तो कब का उड़ गया। अभी मैं जो कुछ दे पाऊंगा वो शादी के बाद ही दे पाऊंगा। तब तो फिर तुझे ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा ये बता, तुझे मिलेगा कितना? बुरा का पूरा भाई साहब, एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं इन लोग के पास कुछ छोड़ूंगा थोड़ी। 2-2.5 करोड़ का तो बंगला ही होगा, और सोना चांदी और दुकान में रखी हुई महंगी साड़ियां भी, तो समझो 3 करोड़ तो कहीं भी नहीं गए। आप निश्चिंत रहिए, शादी हो जाने के बाद मैं आपको खुश कर दूंगा। चोर शास्त्र में लिखा है कि शरीफ शरीफ की बातों का यकीन भले ही न करे, लेकिन एक चोर को एक चोर की बातों का यकीन करना ही पड़ेगा। चल, हमने तुझे बख्श दिया, लेकिन बाद में मुकर गया तो? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरी शामत आई जो मैं आपसे मुकरूं? मुझे पता है कि आपकी नजर हमेशा मुझ पर रहेगी। स्मार्ट बॉय, लेकिन हमें फिर से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि अभी हमें तुझसे कितना और चाहिए। हम अभी आते हैं। अरे अब हमें तुझसे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख
अबे शक्ल देखी अपनी, 10 लाख लेना है तो ले वरना फूट ले। मुंह तो ऐसा फाड़ रहा है जैसे अपने बाप की नई शादी करवानी है। बेटे अपने बाप की शादी तो नहीं करवानी है, लेकिन तेरी भी शादी नहीं होने देंगे अगर तूने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो। क्या कहा था तूने? अपने ससुराल वालों को 3 करोड़ का चूना लगाने वाला है और हमें 50 लाख देने में तेरी जान सूखती है? ये सब क्या तू अपनी मेहनत से कमा के लाने वाला? चलो बुलाओ इसके सास ससुर को, अभी तेरी पोल खोल देते हैं। हमें 50 लाख मिले या ना मिले, लेकिन तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली और सीधे जेल जाएगा। अभी फोन लगाता हूं पुलिस को। अरे भाई साहब आप तो बुरा मान गए। ठीक है हम आपको 50 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन पहले अपने ससुराल वालों को चूना तो लगाने दो मुझे। कृपया सभी लोग वापिस आ जाइए। कोई अनर्थ नहीं होगा। हमने अभी एक छोटा सा अनुष्ठान किया था जिसमें हमने अचूक मंत्रों के द्वारा उस अनर्थ का निवारण कर दिया है। और उन सारे मंत्रों को हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, वो भी इस टेप रिकॉर्डर में। सुनना चाहेंगे आप लोग? और आप सुनना चाहेंगे? मुझे लगता कि आप लोग एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि यही तो है वो अनर्थ। अगर हम नहीं आते तो आपकी जिंदगी में आ गया होता। जिसे आप शरीफ आदमी समझ रहे हैं, ना तो वो शरीफ आदमी है और ना ही वो डॉक्टर है, वो एक बहुत बड़ा ठग है। एक बहुत बड़ा ठग है। पता नहीं, जिसे दुनिया नटवर लाल के नाम से ज्यादा जानती है, ठग नटवर लाल।